उठ मिया रंजड़ा जाग सवेर मंजड़िया छड़ गईया, मंजड़िया छड़ गईया, मंजड़िया छड़ गई। शर्म दी मारी बोलन सख्ती बस बगान पइया, बस बगान ओ पइया, बस बगान ओ पइया। मंजिया मंजिया हर कोई हाके मंजी हुरां दियां परियां, मंजी हुरां दियां परियां, मंजी हुरां दियां परियां। सिंह यूनाद बल बल कुंड दंद चम दियां कलियां, दंद चम दियां कलियां, दंद चम दियां कलियां। कान यूनाद चोलन पाके अक मसाले ओ बलियां, अखे मसाले ओ बलियां, अखे मसाले ओ बलियां। पिठ यूना दिया कर सोनी जो हथ दियां तलियां, जो हथ दियां तलियां, जो हथ दियां तली। थाने यूना दे लेटू लम्मे जो किला दियां फलियां, जो किला दियां और फॉरेस्ट के हिसाब से जो है ये राजी राष्ट्रीय पार्क है और मैं कौम का वन गुजर हूँ, जिन्हें वनों में हमेशा से रहने वाले हैं। वनों में रहकर अपने जानवर भैंस गाय बकरी वगैरह इन्हें पालते हैं और इनके दूध व घी बेचकर अपना व्यवसाय करते हैं, अपने परिवार की रोजी रोटी सारा काम इसी में चलाते हैं। और यहाँ पर रहते रहते हमारे दादा परदादा कई पीढ़ी यहाँ पे गुजर गई हैं, कम से कम 200-250 साल से यहाँ पर रह रहे हैं इसी जंगल में, तो यहीं का हमारा जो है रहने का ही जरिया है। वन गुजर जो है जम्मू कश्मीर से हिमाचल और हिमाचल से तत्काल उत्तर प्रदेश ये था, और हमारा जो मुख्य जो व्यवसाय है वो पशुपालन पर निर्भर है। और हम लोग एक माइग्रेट जिसे कहते हैं प्रवास के रूप में हम लोग 6 महीने के लिए हम लोग अपने पशुओं को एक जगह और फिर 6 महीने के लिए दूसरी जगह पर हम लोग अपने दिनचर्या के अनुसार अपना जीवन यापन करते आए। 7 महीने यहाँ रहते थे जंगल में, तो एक बन में हमने भैंस को चारा करा, अपना भी करा, ये करा। अब इससे बाद में 4 महीने पहाड़ चले गए हिमालयों में, तो ऊपर जा कर के रहा, तो एक जंगल छूट गया, तो एक जंगल को भी राह मिल गया, बरसात में पानी में चारा में हर चीज़ में। पहाड़ में चला गया, एक जंगल भी शुद्ध हो गया है, इसके फिर पौधा भी हो जाता है। अब पहाड़ के जाएंगे तो इतने पशु अच्छा रहेगा इंसान का, वह चारा वह जमीन का घास पशु चुगता है पहाड़ों में, इस वजह से बहुत सर्दियों में ही था हमारा पहाड़ जाना, फिर नीचे सर्दियों में आना जंगल में, जंगल की भी सुविधा थी और इंसानों और पशु को भी थी। ये नहीं थी एक ही जगह था, पूरा जम्मू से लेकर हिमाचल से सारा यूपी हिमाचल उत्तराचल सारे में ही था, सारे में ऐसे करते जाते थे।
हमारा जो है, क्योंकि एक तो हम जंगल के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि हमें शहर में रहना या कहीं भी रहना कोई हमें भारी सा वजन जैसा लगता है, क्योंकि जो हमारा जो कारोबार है, जो भी हमारा काम है, हमारा यही गाय भैंस और बकरी का, इसे हम पालते हैं, बेचते नहीं, खरीद लेते पर बेचते नहीं हम इसे। और ये हम जैसे बच्चे हो जाते हैं छोटे, हम इन्हीं से अपना पहले के पुराने डंगर हमारे चले आ रहे हैं, पूर्वजों के टाइम से जानवर है हमारे पास, और हम यही काम करते हैं और हम इससे अलावा कोई काम नहीं करते। हम अपने जानवरों के लिए चारा लाते हैं जंगल से, घास वगैरह काट कर, अच्छा, और वो डालते हैं। बाकी जो है जंगल में अपने जानवरों को ले जाते हैं, देखते देखभाल उनकी करते हैं, अच्छा उन्हें अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो वन गुजर जो है, ये हमारे सभी गुजर साथी जो है शिवालिक फॉरेस्ट में फैले हुए हैं, और इनका जो रूट्स है वो तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, मतलब कि हिमाचल में, जम्मू में, उसके बाद पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, तो ये जो पूरा हिंदू कुश और जो पूरी हिमालयन रेंज है उसमें ये फैले हुए हैं, वो ठंडे इलाकों में रहते हैं। एक एक परिवार के पास 600-700 ऐसे जानवर होते थे, अब तो मुश्किल से 100-200 भी कम है, लेकिन इस तरह के वो लोग जानवर पालते थे। गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम अभी जैसे पेड़ काट रहे हैं और हम इनको काट के गिरा देंगे और हमारा नुकसान है, हमारा डंगर भूखे रहेंगे। अगर हम इनको इराम इराम से काटेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा पत्ते छोड़ के ऊपर टहनी से आके हमारे पास रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं आराम से, हमारा टहनी को हम ना इस तरीके से पालते जैसे अपने बच्चे को पैदाइश देनी पड़ती है, क्यों ऊपर जो ऊपर से काट के जरा जाए ऊपर लंबी हो जाती है, क्यों फायदा होता है अगली साल को आने वाली को अच्छी पत्ती होगी उस पर, और अपने डंगरों का पूरा जुगाड़ा बन जाएगा उसमें। ऐसा कोई नहीं, हम जंगल में कोई हम पेड़ को गिरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमने सूखी लकड़ी गिरा दी है ना, गलत कहना उनका जंगलात बंद को गलत कहना है। अच्छा रखते हैं अपने, जब हमारा जंगल है, परमिट से जंगल है, हम अपना का नाश क्यों करेंगे, गलत बात है ना। अब जहाँ पर हम जगह में बैठे गए थोड़े ना उसको उखाड़ देंगे, अच्छा ही तो बनाएंगे, और हम इस तरीके से अच्छा ही करते हैं। तो जो हमारे लोग हैं, हम लोग फॉरेस्ट के उस एरिया में भी रहते हैं जहाँ बहुत हिल टॉप एरिया है, क्योंकि वहाँ हमारा ग्रेजिंग और लॉपिंग का जंगल होता है, वहाँ हम अपना हट टाइप का टेम्परली बनाते हैं, और अपने पानी की व्यवस्था के लिए, पशुओं के पानी की व्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया करके दूर से, चाहे वो पाइप के माध्यम से लाना हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से पानी को लाते हैं, और पानी को बहुत अच्छे तरीके से उसको सुरक्षित करते हैं ताकि वो पूरे एक साल तक चले। उस पानी से जब ये गर्मी सीजन आता है, शीत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, तो उस टाइम सारे हिल एरिया से पानी ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारे जो पानी होता है उसको हम अपनी भाषा में सूटा कहते हैं, वो सूटा कभी भी सूखता नहीं है। जहाँ हमारा डोमेस्टिक पशु तो पानी पीता ही है, लेकिन सैकड़ों के तादाद से वो जो है वाइल्ड एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, आपका स्पॉटेड डियर, सांबर, सारे एनिमल्स पानी पीते हैं। दूसरा, जिस ट्री को हम लोग लॉपिंग करते हैं, उस ट्री को लॉपिंग इस तरीके से करते हैं एकदम साइंटिफिक रूप से, ताकि एक तो उसका जो ग्रोथ बढ़े, दूसरा जो उसका सीड्स के लिए काफ़ी एरिया को छोड़ देते हैं हम लोग, ताकि वो अगले साल बरसात में नीचे गिरने से दूसरे काफ़ी ट्री हो। तो ये तो फॉरेस्ट को काफ़ी जो है कंजर्वेशन के लिए और वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन के लिए, इसी तरह जो फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक उत्तराखंड में जो ग्रास है, वो ललटेना कैमरा जिसे कहते हैं,
उसको सबसे ज़्यादा अगर ख़त्म किया है और ख़त्म इस तरीके से किया है ताकि वो दोबारा पैदा ना हो, उसकी जनरेशन ख़त्म हो जाए, गुजरने कराया उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके उसका जो है जो जड़ होती है उसको ऊपर टांगना पड़ता ताकि वो दोबारा से पैदा ना हो। और वो जो इसलिए क्योंकि हमारे जो जंगल है वो लालटेना से पूरा जो है उनका फैलने से हमारे पशु आचरण नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने लालटेना ख़त्म करके, लालटेना ख़त्म करने से जहाँ जो है नए जनरेशन के जो ग्रास वाले जो पशुओं के लोपिंग वाले जो ट्री है जीजीफस मोर्शना टर्मिनल टोमेंटोसो बलेरिका जो ट्री है उनका अच्छे तरीके से जनरेशन होता है, एक लालटेना ख़त्म करते हैं। दूसरा वाइल्ड लाइफ जितनी भी है उनके लिए पानी की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हमारे लोपिंग के उस ट्री के नीचे जहाँ अगर हमारे 20 अगर पशु डोमेस्टिक है तो 30 पशु जो है वाइल्ड जंगली पशु भी वो रहते हैं, वो जो बियर्स प्रजाति के जो पशु है वो लेपर्ड और टाइगर्स वगैरह से काफ़ी डर के रहते हैं, वो हमारे हट के आसपास ही रहते हैं अपने हमारे पशुओं के साथ साथ। जितने भी ये मैनोरिटी जो ट्री ये जो हो रहे हैं नरभक्षी टाइप के जो एनिमल्स हो रहे हैं ये आज हो रहे हैं जब लोगों को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करा, क्योंकि इनको जो है हर वो सुविधा हर वो खाना हर वो फूड जो है आराम से जंगल में मिल जाता था। हमारे कम से कम 20% पशुओं को वो खाते थे क्योंकि आसानी से जो शिकार मिलता था वहाँ सारे जो है हमारे घरों के आसपास जंगली जानवर रहते थे आराम से वो शिकार कर लेते थे। उन सबको जब वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है तो वो लोगों की उस स्माइल उस चीज़ को नहीं देख पा रहे, तो उसको वो जो है बाहर आके नरभक्षी बन के जो है लोगों को शिकार करना शुरू करा है। सबसे ज़्यादा हमने कंजर्वेशन आज स्पायरो डे बनाया जाता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा नेस्ट अगर पाए जाते तो हमारे हटों में पाए जाते हैं बर्ड्स के। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो है बहुत सदियों से मैं रह रहा हूँ, अब आपको यहाँ पे चारों तरफ आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं लगाए हुए, कैसे पेलखनों के पेड़ हैं, गुलरों के पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, अच्छा और इमली के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, तो ये लगाओ है ना। अच्छा और ये पेलखन वगैरह क्यों लगाए हैं, इस पर जंगली जानवर परिंदे जो हैं अच्छा वो रात को बैठते हैं, अब देखना आपने जितनी चिड़ियाँ वगैरह हैं वो ये बिल्कुल पलायन रहते हैं तो इसमें बैठते हैं, फिर ये दाना लगता है इसे खाते हैं, इसकी छाए में जो है जंगली जानवर और पालतू जानवर दोनों बैठते हैं। अच्छा और अगर सर्दी में ओस पड़ती है ठंड की वजह से तो भी इसके नीचे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं वो, कि ओस से बच जाए। तो ये एक रिश्ता है जंगल का और हमारा तजर्बा है जंगल का कि जंगल में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। हम अपने जानवरों को आगे चारा घेरते हैं तो हमारे जानवरों के साथ मिलकर खाते हैं, हमें अपने जानवरों से और जंगली जानवरों से कोई भय नहीं है, जंगली जानवर हमारे से भय नहीं करते, हमारी शमाइल जो है जंगली जानवर को नहीं आती क्योंकि हम जंगल के रहने वाले हैं, वो भी जंगल के रहने वाले हैं, वो जानते हैं कि बाहर का कौन है और जंगल का कौन है। आप कहीं भी वन गुजर के पास जाके देख लिए, यानी यदि अगर गाँव वाले या और साहिबान की गाय का बच्चा जो है वो 5 साल का है तो गाभिन होगा, और हमारे यहाँ 2 साल का बच्चा गाभिन हो जाता है यानी नए दूध क्रॉस रहती है। अच्छा तो उसका मतलब क्या है कि हम उन लोग उसकी सेवा करते हैं, वो फरवा होते हैं, जब वो फरवा होते हैं तो यानी बच्चा जन्मने पे वो तैयार हो जाते हैं यानी जवान हो जाते हैं। अच्छा अब आप यहाँ पर कहीं भी किसी वन गुजर के यहाँ अब लोग रास्ते में चले आ रहे हैं, आप अगर ऐसा चाहें तो मेरे साथ चलें, स्थिति देखें कि कैसे उनके जानवर हैं, मस्ते हुए जानवर हैं, खल दाना चौकर अपना खुद भूखा रह लेंगे लेकिन अपने जानवर को भूखा नहीं रखेंगे। हाथियों को बचाने के बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां हाथी फंस गए, वन विभाग फेल हो गया, कई दिन लगे रहे निकालने में, हाथियों के बच्चे गड्ढे में फंस गए, हाथियों कहीं किसी खाई में फंस गए, तो उनको अल्टीमेटली गुजरों को बुलाना पड़ता है, गुजर आके उसको निकालते हैं, उनको सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी पूरी पहनावा उनकी पूरी ड्रेस जो है
वो जो है वो एक ट्राइब की तरह है, वो मुस्लिम कल्चर और जो ट्राइबल कल्चर दोनों का मिक्सचर है। हम तो क्या हमारे और भाई बंद हैं जैसे रिश्तेदार हैं वो यहाँ से ऊपर पहाड़ में चले जाते हैं, मई जून में चले जाते हैं, वो 4 महीने वहाँ पर रुकते हैं फिर उसके बाद वो आ जाते हैं गाड़ी से, नहीं वो पैदल है जैसे पड़ाव लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ से आपका सभा वाला हो गया, यमुना पुल, कालसी हो गया, चक्रोता, देवबन होते हुए सीधा ये आपका तिमनी से पहले उतरते सीधा ये मौरी सीधा सांकरी हरकी दूर बंदरपूंछ पहाड़ उधर आते जाते और वहाँ पे रुकते 4 महीने डंगरों को चराते, वहाँ का भी परमिट है, वहाँ का भी सरकारी परमिट दे रखा है हमें सरकार ने, वन विभाग ने, वहाँ पे भी कम से कम 200-250 साल का पुराना परमिट है हमारा, अभी भी चला आ रहा है वहीं से। वहाँ पर भी ये ऑर्डर लेने पड़ते हैं हमें हर साल चरान चुगान के, जो कि हमने यहाँ पे प्रमुख चीफ से या वाइल्ड लाइफ चीफ से लेने पड़ते हैं हर साल के लिए। दिक्कत तो होती है क्योंकि हम इतने क्योंकि पढ़े लिखे तो नहीं कि हम मतलब कोई लिख लें या पढ़ लें, कहीं से लिखवा करके एप्लीकेशन डालते उसमें लग जाते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन, महीना महीना भी लग जाता है, परेशानी तो होती है हमें। फिर हमें उसकी जो है प्रमाणित मिलती है, फिर हम ऊपर पहाड़ चले जाते हैं और उन्हें जो है अपने जानवर, अपने बच्चे वगैरह सारी चीज़ें लेकर जाना पड़ता है, और घोड़े हमारे पास लाद के लिए होते हैं सामान उठाने के लिए। अच्छा, उन्हें यानी 15-16-20 दिन रास्ते में गुजर जाते हैं चलते हुए। अच्छा, और घास वगैरह जो है हमारे जानवरों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, हम लोग मोल लेते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा कीमत से लेते हैं। हाँ। हमें ये दिक्कतें हो रही हैं, जैसे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जिन रास्तों से हमारे डंगर गुजरते हैं या हमारे पड़ाव थे, उनमें इन लोगों ने प्लांटेशन लगा दिए हैं और पैबंदी लगा दी है। अच्छा, अब पहले हम चक्रोता होकर जाते थे, बिल्कुल जंगल जंगल का रास्ता था वो। अच्छा, और हरे भरे घास मिलते थे, पानी वगैरह हमें मिलता था, ठंडा रास्ता था। अब हमें यानी जमुना के किनारे रोड से होकर जाना पड़ता है। अच्छा, और वो गर्म इलाका है। अच्छा, और मौसमी इतवार, फिर दूसरे जो है गाड़ियों का बहुत रश है। हाँ। तो रास्ते में हमें तरह तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। उनकी जो पूरी जो सोशल हिस्ट्री और पूरी जो हिस्टोरिकल ओरिजिन्स है वो बहुत रिच है। पहले जमाने में तो सभी लोग, सभी जो समुदाय थे वो ऐसे ही अपना किसान और सब लोग घूम के ही घुमंतु थे, लेकिन धीरे धीरे सेटल्ड एग्रीकल्चर जब आया तब लोगों ने वहीं बस गए और जो है खेती करने लगे। लेकिन घुमंतु समुदाय के ये नोमैडिक ट्राइब्स, इन लोगों ने नहीं अपना सेटलमेंट कहीं किया, ये लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं। लेकिन जंगलों के ख़त्म होने से या जंगलों में प्रेशर पड़ने से या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो जंगल कटान हो रहा है उससे बड़ी दिक्कतें इन गुजर समुदायों को फेस करनी पड़ रही है। उनको जंगल कम मिल रहा है, चरागाह कम मिल रहे हैं, उनको घास नहीं मिलती है अपने जानवरों को देने के, जानवर कम होते जा रहे हैं। और भी जानवर ये लोग रखते थे भेड़ बकरी और ये सब भी रखते थे, लेकिन वो भी बहुत कम होते जा रहे हैं। 76 में यहाँ हम लोगों को जमीन दिया था कि इनकी जो ये प्रवासी जीवन शैली है इसको ख़त्म करते हुए इन्हें जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो 76 में जब यहाँ ज़मीन दिया था तो हम लोगों का जो पहाड़ जाने का जो सिस्टम था वो हम लोगों का बंद हो गया था, लेकिन हम लोग यहाँ 6 महीने के लिए अपनी ज़मीन में, हम लोग ज़मीन में जो है वो अपना अनाज वगैरह नहीं करते थे, बल्कि हम लोग अपने पशुओं के लिए चारा उगाते थे। और यहाँ 3-4 महीने के बाद हम लोगों की यहीं जो है ये नहर है और नहर से पीछे जो ये जंगल है, इन जंगलों में हमारे परमिट थे और 6 महीने के लिए हम लोग जंगल में चले जाते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ ये एरिया 86 में राजा जी नेशनल पार्क बन गया। तो राजा जी नेशनल पार्क में उस टाइम शिवालिक की इन जगहों में सबसे ज़्यादातर अधिकतर वन गुजर लोग निवास करते थे।
तो राजा जी नेशनल पार्क जो है 820 वर्ग किलोमीटर में बनाया है, जिसको 3 डिस्ट्रिक्ट में विभाजित करा था। ये हम लोग जहाँ है ये डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल लगता है, उसके बाद हरिद्वार और डिस्ट्रिक्ट देहरादून में राजा जी नेशनल पार्क को बनाया। राजा जी नेशनल पार्क बनने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी जो हमारी संस्कृति का जो उल्लंघन हुआ है, ख़त्म होने की जो कागार रही, वो ये रही कि राजा जी नेशनल पार्क से गुजरों का रीसेटलमेंट, यानी कि गुजरों को बाहर पुनर्वास करने का। तो सिर्फ राजा जी नेशनल पार्क में से जो वो निकाला, वो जबरदस्ती जो परिवार निकाले हुए राजा जी में से, आज भी वो जो है गंगा और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास पड़े हुए हैं। रोशनाबाद आपके पूरे हरिद्वार के आसपास गंगा किनारों में 1600 कुछ परिवार दर दर की ठोकरें खाते हुए और आज भी अपने जीवन और अस्तित्व और अपनी संस्कृति को बचाने में विवश है। इसके बाद राजा जी नेशनल पार्क में सिर्फ गौरी रेंज, जिसमें हम लोग हैं, और रामगढ़ और चीलावाली के लोग ही राजा जी नेशनल पार्क के अंदर रहे थे, बाकी उन लोगों ने बहुत संघर्ष करके वो लोग यहाँ रहता। अब हम जिम्मेदार लोगों से, देहात वाले लोगों से भूसा, पुराल, घास, जो भी हमें उपलब्ध हो जाए वो लेकर मोल पैसों से और जानवरों को डालते हैं दूध। इस पर हमें असर पड़ा है इसलिए कि हमारे जानवर जो हैं जंगल का घास चरने वाले, और जंगल का घास बढ़िया होता है, उसे चरने वाले जानवर हैं। क्योंकि अब जो है ये जो घास हमें मिल रहा है, जो हम मोल लेते हैं, वो घास जो है यूरिया खाद वगैरह फसलें तैयार होती हैं उनसे हैं। अच्छा, इस घास से जो है हमारे डंगर पुराल वगैरह भूसा वगैरह जो है मिलता है, उससे हमारे डंगर बीमार पड़ जाते हैं, और दूध, जब डंगर बीमार हो गए तो दूध वगैरह भी नहीं देते हैं। वनाधिकार कानून शायद आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अगर कानून आया है वनवासियों के लिए, तो वो वनाधिकार कानून आया है। उसमें हर एक वो चीज़ है जो वनाधिकार, वन में रहने वाले वनवासियों, वनों पर आश्रित समुदाय के जीवन और उसके संस्कृति, उसका सभ्य बचाने के लिए अगर कोई कानून है तो वनाधिकार कानून है। लेकिन बहरहाल सरकार नहीं चाहती ये सब चीज़ देने। और इसके अलावा अगर वनवासी को दूसरी योजनाएं अगर दी जाए सरकार की, मतलब पॉलिसी ला के रीसेटलमेंट या वो, तो वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बहुत जल्दी ख़त्म करके और वो अपने आप को समाज में एक सबसे सबसे कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति हो जाएगा। जब तक मैं समझ रहा हूँ कि जो मेरे लिए कोई कानून है, जब तक मैं उसकी एक एक सेक्शन, उसका एक एक वर्ड समझ नहीं अपने दिमाग के अंदर लगा सकता, समझ नहीं पाता हूँ, तब तक मेरे लिए अधूरा है। तो लोग नहीं, अभी तो खैर नहीं समझ पाए पूरी चीज़ें, लेकिन वनाधिकार कानून एक कानून है, वो एक जंगल में रहने वाले लोगों पर ये समझ है। लेकिन उसमें क्या चीज़ें हैं, उसको हमने किस तरीके से उसको जो है हमने किस तरीके से उसकी डिमांड करनी है, किस तरीके से हमारे उसमें दावे हैं और हम लोगों को किस तरीके से प्रक्रिया पूरी करनी है, वो भी नहीं। जो हमारी वन अधिकार की 2006 के कानून का जो एक्ट बना हुआ है, उसमें जैसे 3 पीढ़ियों का वो है, उसमें भी हम अपना अच्छे डॉक्यूमेंट्स जुटा रहे हैं। और उसके बाद हमने दावा प्रपत्र भर करके, क्योंकि हमने एक मुकदमा भी उन्होंने हाई कोर्ट में किया है वन विभाग के खिलाफ, वो इसलिए कराया कि ये हमें जबरन लाठी मारते थे, ज़बरदस्ती हमारे पर मुकदमा करते थे और बाहर निकालते थे। इसी कारण से जो है हमने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके हमने हाई कोर्ट में मुकदमा किया है। वो हमने सन 2017 में, जिसमें निर्णय आया था कि ये वन विभाग ने ये जवाब दिया था उसमें कंटम अपना कि ये वन विभाग की श्रेणी में नहीं आते, ये काफ़ी मतलब टाइम से पुराने यहाँ के बासिंदे हैं और इसका जो है जिला अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी इनका निर्णय लिया जाए। फिर उसके बाद हमने दूसरा फिर डाल दिया था, एक ऑडिट डाली हमने, क्योंकि ये परेशान कर रहे थे कि नहीं आपका तो ये हो गया जी, खारिज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ऐसे करके परेशान कर रहे थे, क्योंकि हमारी तो सुनते नहीं थे, अपने मन की मर्जी चलाते थे। फिर एक दूसरी रिट अभी भी हमने डाली हुई है इसी के वन अधिकार नियम के तहत कि हमें जो है जहाँ पर हम हैं हमें यहीं पर मालिकाना हक दिया जाए।
इस पे 2006 एक्ट जो है वो लागू होता है और अन्य परंपरागत वन निवासी है और इसे सारे जो कानूनी लाभ हैं वो यहाँ पे दी जाए, मूलभूत सुविधा। अच्छा तो आप देख रहे क्या मूलभूत सुविधा, लैट मेरे यहाँ 100 मीटर पे है, केवल 100 मीटर पे है सामने। अच्छा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अच्छा और ये नहीं, फर्स्ट वालों का बंगला है इसी में जहाँ पे लैट है, वहाँ तो लैट है लेकिन यहाँ पे लैट नहीं है, तो क्यों ऐसा क्यों, वो भी जंगल है ये भी जंगल है। अच्छा तो मतलब कहना क्या है कि एक यानी लोगों का सिर्फ निकालने से मतलब है। अच्छा अब जज साहिबान जो है हमारे, अच्छा अधिकारीगण जो है हमारे उच्च अधिकारी, अच्छा वो लोग कभी जंगल में आए नहीं हैं, कभी जंगल का हिसाब उन लोगों ने देखा नहीं है। अच्छा वो जो कागजों में लिखा वही कहते हैं सही है ये। अच्छा और ये लोग अपनी रिपोर्टें तरह तरह से बनाकर आगे भेज रहे हैं। अच्छा तो उन साहिबान को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर हिमाचल में भी थोड़ा है वो लोग पंचायतों से जुड़े ग्राम सभाओं से, लेकिन यूपी उत्तराखंड में तो वो इनका कोई ना ग्राम सभा है ना उनके पंचायत है से जुड़े हैं, सिर्फ वोट एमपी एमएलए को देते हैं या अगर पंचायत को भी देंगे तो वो बगल के जो ग्राम सभा उनके जो जंगल खोल कहते जहाँ रहते हैं उससे जुड़े हुए जगह पर जहाँ पंचायतें होती हैं वो इलेक्ट करते हैं, लेकिन इनका कोई नुमाइंदा जो है वो इलेक्ट नहीं होता है और ना ही इनके इश्यूज कभी सामने आते हैं पंचायत लेवल पे या फिर विधानसभा लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर, तो कोई सवाल ही नहीं है, तो गिनती नहीं है इनकी और कितने लोग रहते हैं इनके बारे में कोई सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं है, कुछ नहीं है। और जो भी है वो वन विभाग के ऊपर छोड़ दिया, वन विभाग इनको सबसे पहला दुश्मन मानते हैं और अभी भी देश के नागरिक के हिसाब से नहीं देखा जाता। हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुत अलग सिचुएशन है, उन्होंने बहुत वहां पर डेवलपमेंट की है, अपनी यूनिवर्सिटी भी है, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं और काफी पढ़ा लिखा तबका है, वो लोग पॉलिटिक्स में भी है और वो लोग वहाँ की राजनीति में भी है, सभी पार्टियों में है और वो वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है, तो इसलिए वो लोग वहाँ पर बेटर ऑफ है। जबकि उत्तराखंड में और यूपी में स्थिति बहुत खराब है, गरीबी स्तर से भी नीचे जीते हैं और जितना कमाते हैं उसको वन विभाग लूट के ले जाता है, इनके घी को, इनके जो मक्खन है उसको, दूध को जो बिना पैसे के वो जो है लूटते हैं और इनसे उस हिसाब से उल्टा जो ये कमा के लाते उससे भी हैवी चार्जेस और फाइन वसूल करते हैं जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। वाकई बाहर से जो है तस्कर लोग आते हैं जंगल में, लकड़ी काटने वाले चोर लोग, चोर लोग बाहर से आते हैं। अच्छा वो कोई गाड़ी ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा यदि अगर गुजर जंगल में न रहा तो जंगल तहस नहस हो जाएगा, शिकारी जंगल में घुस रहे हैं तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे। ये इस तरह से रहा गुजर वाला मसला। अच्छा आप यहाँ देखिए चारों तरफ कि आपको हरे भरे पेड़ हर चीज़ें बढ़िया फर्स्ट क्लास नज़र आ रही हैं। अच्छा कुछ पेड़ तो यानी यहाँ पे पिलखन वगैरह और चीज़ों के अपने आप खुद लगाए हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत है जंगल, हमें जंगल को उजाड़ना नहीं है, हमें तो जंगल को पालना है, अगर जंगल है तो हमारा जीवन है। सबसे बड़ा और सबसे घृणा रूप से जो उत्पीड़न हुआ वो इसी अक्टूबर नवंबर 2017 में हुआ। राजाजी नेशनल पार्क के आल रेंज के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी बिना बताए बिना नोटिस दिए राजाजी नेशनल पार्क की चीला रेंज के सारे गुजरों का, सबसे पहले उन लोगों ने दूध, जो दूध वो लोग हम लोगों का जो दूध का मुख्य व्यवसाय है
दूध को खिंडा कर और दूध को जो है पकड़ के उनको फॉरेस्ट चौकी में वो पूरा जो है बंद कर दिया। उसके बाद हमारा जो पशुओं के लिए खल चोकर जो आता है, खल चोकर को रोक दिया, बंद कर दिया। हमारे पशु जो है 150 पशु राजा जी नेशनल पार्क की गोरी रेंज चीलावाली और रामगढ़ में 2017 के अक्टूबर नवंबर में मरे भूखमरी। तो उन लोगों को इस तरीके से परेशान किया। उसके बाद उन लोगों के छप्पर जला दिए, छप्पर जला के और उन लोगों के साथ बहुत भयंकर तरीके से मार पिटाई की और उन लोगों को एक महीने के अंदर बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार रामगढ़ रेंज में हुआ है, उन सब रामगढ़ के लोगों को भी बाहर निकाल दिया। जिस दिन यहाँ आए वन विभाग वाले आए, हम यहाँ आए थे, हमारे साथ बहुत ज़बरदस्ती करी उन्होंने। हमने कहा हमारे घर मत होगा, हम कहाँ जाएंगे। वो तो कम से कम 30-35 आदमी आए थे। उन्होंने बहुत बदतमीजी करी, हमारे हाथों पाई करी उन्होंने। हम कह रहे थे हमारा घर मत तोड़ो, हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी कहाँ जगह है, हमारे छोटे छोटे बच्चे ही नहीं उठा, कहाँ जाएंगे हम लेकर। हमारा सामान अंदर पड़ा था, तोड़ फोड़ सारे कर दिए, बक्से हमारे तोड़ दिए, बर्तन हमारे तोड़ दिए। कोई लेडीज उनके साथ नहीं, सारे जेंट्स थे जी। हमारे पास सूरजा नहीं, सरकार ने हमें कोई भी सूचना नहीं दे रखी, सूरजा वगैरह हमारे पास नहीं है। बगैर सूरजा से हम रहते हैं यहाँ। बच्चों में हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, गांव बहुत दूर पड़ता है बच्चों को जाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे कहाँ वहाँ जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए स्कूल मिल जाए तो हम बहुत अच्छा मानते हैं उसे। हमारे बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो हम यहाँ रहना अच्छा मानते हैं। अभी कोरोना के अंदर राजाजी नेशनल पार्क में आसार रोड़ी में मुस्तफा चोपड़ा जी की यहाँ पर पूरी फोर्स गई और उनके घरों में अटैक किया, उनको मारा, उनके छप्पर निकाले। महिला फोर्स ने की महिलाओं के साथ मारपीट किया। तब जो है उन्होंने जब फाइट बैक किया, उनकी महिलाएं लड़ी और फोर्स को पीछे जाना पड़ा। बहुत सारी जो है उनको बुरी तरह से मारा और उल्टा ही जेल में भेज दिया। कि एक्ट हमारा पास हो गया, उसके बावजूद भी वन विभाग जो कि कॉलोनियल पीरियड का एक्ट लेकर, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेकर इनके ऊपर हमला कर रहा है, उसके ऊपर ना कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, ना देश के अन्य कानून लागू होते हैं, बल्कि वो अपना 1927 के कॉलोनियल कानून से जो है आदिवासियों पर अटैक कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल रुकना चाहिए, इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। हम लोग राष्ट्रीय संगठन है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लड़ाई जारी है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई के साथ जो एक्ट तो पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लगी, सबने लड़ी पार्लियामेंट में पास हुआ UPA 1 के टाइम में। लेकिन हमारे देश में कानून लागू करने के लिए एक और लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसमें जो है सबको मार खानी पड़ती, जेल जाना पड़ता है। हमारे कितने साथी जेल जा रहे हैं, वन गुजरों के साथ यही हो रहा है। यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मेरे पूर्वजों के 1884 और 83 तक के हैं और जिसमें हमारे खंडरात वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जो गवाह हैं कि वाकई में यहाँ पे है। परंतु आए दिन हमेशा दो दो तीन 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 केस, कभी एक केस, कभी कोई मट्टी क्यों ले रहे हो डेरा बनाने के लिए, लकड़ी जलौनी क्यों जला रहे हो, जानवरों को घास क्यों डाल रहे हो, इस तरह कर करके हमेशा केस करते हैं। इस हालांकि 13 केस मेरे पे 2020 से पहले हो चुके हैं जिनके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और 5 केस इस टाइम मेरे पे हैं 2022 के और 22 के बाद के। तो हम इंसान हैं, हम भी जीवित रहना चाहते हैं, परंतु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो हैं उनके लिए ना तो कोई न्यायालय है, क्योंकि न्यायालय की कॉपी यह है जिसमें लिखा है अभियुक्तागण परंपरागत वन गुजर हैं, इसीलिए उपवन वन्य जीवी अधिनियम नहीं लगता है। साफ साफ बहुत केसों में दिया है
परंतु वो नए से नया केस डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ताकि यहाँ से निकल जाए, परेशान होकर भाग जाए। कभी जेल में डाल रहे हैं, कभी कोई अचनाएँ दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तरह तरह से मतलब हमें परेशान कर रहे हैं ये लोग। और हमें, मेरा तो सभी साथियों से, सब लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि हमारी जो है परेशानी को बंद किया जाए और हमें अपने यहाँ अपनी ही जगह पे माल खाने हक दिए जाए। जय साहिबान को चाहिए खुद आके जंगल का मायना करें या अपने किसी उच्च अधिकारी को भेजकर, अच्छा जो बिल्कुल निरपक्ष हो, किसी से कोई लेना देना ना हो, तो वो आके उसका जो है मायना करें और जंगल का वो देखें कि वाकई में वास्तव में जंगल कैसा है और जंगल के लोग कैसे रहते हैं, क्या नुकसान करते हैं और क्या जंगल का फायदा करते हैं। क्योंकि हमें जंगल को बचाना है और जंगल से हमारी रोजी रोटी का मसला है। अगर जंगल ख़त्म हो जाएगा तो हम अपने जानवरों को चारा कहाँ से देंगे? अच्छा, और ख़ुद जब जंगल डंगरों को चारा नहीं मिलेगा तो हमें रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी? नहीं जी, हम तो जानवरों पर निर्भर हैं। इंसान से जो है वन अलग नहीं है। अच्छा, क्योंकि मेरा तजर्बा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल में रहे हैं। यदि अगर जंगल और हमारा रिश्ता नहीं होता या आपस में वो नहीं होता तो हम लोग जीवित नहीं रहते। अच्छा, ये जंगल नहीं रहता भाई, एक ना एक चीज़ तो ख़त्म हो जाती। जब दो चीज़ में जो है आपस में दुश्मनाई टकराव हो जाता है तो इन एक को तो हटना पड़ता है ना। अच्छा, नहीं तो हम हटे हैं और नहीं जंगल हटा है, ये तो आपकी नज़रों के सामने है। अच्छा, और आगे रहने वाले भी यही है, जंगल जो है हमें दे दिया जाए जो हमारा कानून लॉ कह रहा है 2006। अच्छा, और हम जो है इसकी परवरिश करें। करवायत तब के जमी पर थे जो मेहमान बेचारे, हजरत यूसुफ से हम अंदर थे रोंदे रे गे सारे। खामण पीवण किसे न कीता ते शया राम न कोई, चुप हुई बच जंगल बार ते कोई परिंदा बोले, लरजा बेवरवाई कोलो ते तब कह जमींदाए डोले। हैरत अंदर नदियां नाले ते थाटना मारन